गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। सुबह का टाइम है, आध्या स्कूल जा रही है और थोड़ा सा उसके पास टाइम था तो रिवीजन कर रही है। आज उसका टेस्ट है स्कूल में, तो अपना जो भी स्कूल का आज का जो टेस्ट है उसका रिवीजन कर रही है। वो इंग्लिश में थोड़ा सा वीक है, थोड़ा सा क्या वो कुछ ज़्यादा ही वीक है, लेकिन हाँ रिवीजन थोड़ा बहुत करा देती हूँ मैं, पढ़ा देती हूँ, वो खुद पढ़ लेती है, स्कूल में पढ़ लेती है, तो धीरे धीरे सीख रही है। तो यहाँ पे आद्या जो भी चीज़ें पूछ रही थी मुझसे, मैं वहीं से दूर से बैठे बैठे उसको बता भी रही थी। और गाइज, आद्या स्कूल में जो जो टेस्ट है वो अब ख़त्म हो चुके हैं, अब एग्ज़ाम की बारी आने वाली है, तो एग्ज़ाम की भी पूरी तैयारी करानी है। तो गाइज, ये जो वीडियो आप देख रहे हैं ना, ये वीडियो 2 दिन का है पूरा, तो मैं आप लोगों साथ में इसमें बहुत कुछ शेयर करने वाली हूँ, तो पूरा ज़रूर देखिएगा। एंड एंड तक देखने के बाद फिर मुझे कमेंट करना कि मेरे वीडियो आपको कैसे लगे और क्या कमी लगी और क्या आगे देखना चाहते हो। तो बस जब तक आद्या की वैन नहीं आती तब तक उसने रिवीजन कर लिया। आजकल आद्या की वैन बहुत ज़्यादा लेट आ रही है, 8 बजे, 8:10 पे, 8:15 पे ऐसे आती है, जिसकी वजह से वो मतलब लेट पहुंचती है स्कूल। उसे अच्छा नहीं लगता है, वो बोलती है मेरी जो सीट है उस पर और बच्चे बैठ जाते हैं, मेरा नंबर पीछे आता है। तो मैंने स्कूल में बोला है फ़ोन करके। आज हस्बैंड टिफ़िन नहीं लेके गए हैं क्योंकि आज उनकी ट्रेनिंग थी, और इसलिए आद्या का टिफ़िन में सिर्फ और सिर्फ मैंने अचार और पराठा दे दिया था। और आज दोपहर में मैंने कढ़ी बनाई है और बहुत ही यम्मी, बहुत डिलीशियस कढ़ी बनी हुई थी, साथ ही साथ राइस बनाए हैं। अब मैं यहाँ पे थाली लगा रही हूँ अपनी और दक्ष की, क्योंकि मैं और दक्ष ही आए घर पर, और यहाँ पे मैं चावल कुछ ज़्यादा ही लगा ले रही हूँ। मैं सोच रही थी दक्ष अच्छे से खा लेगा, बट फिर उसने बचा दिए थे चावल, थोड़े से मैंने खाए थे, बाकी के फिर मैंने निकाल के अलग रख दिए थे पहले ही। पहले मैं दक्ष को खिला रही थी, उसके बाद देखा दक्ष ने थोड़ा नहीं खाया तो फिर मैंने थोड़े निकाल दिए थे बाद में। आज मैंने कढ़ी में ऊपर से तड़का लगाया है तो कितना अच्छा कलर आया है, साथ ही साथ अगर रोटी भी बना लेती मैं तो और अच्छी लगती, लेकिन हस्बैंड नहीं है ना, हस्बैंड तो गए हुए ट्रेनिंग पे, तो मैंने चलो कढ़ी चावल से ही काम चला लेते हैं। फिर सारा दिन मुझे व्लॉग बनाने का मन नहीं किया था, और ये शाम की क्लिप है। शाम को मैंने ये थोड़े से मखाने और ये बहुत दिन बाद ये काजू भी फ्राई किए हैं, मखाने काजू दोनों बहुत दिन बाद फ्राई किए हैं, करीबन हो गए 1 महीना 1.5। और उसके बाद ये है नेक्स्ट डे की क्लिप, ये नेक्स्ट डे मॉर्निंग की क्लिप है। हमारा एक कोरियर आया हुआ था, इतना बड़ा बॉक्स, इसमें हमारे नए घर के लिए कुछ आया है, नए घर की किचन के लिए कुछ आया है। सो आप लोग गेस करके बताइए। वैसे मैं इस वीडियो में लास्ट में आपको बता ही दूंगी कि इसमें क्या है, फिलहाल अभी आप कमेंट कर सकते हो, गेस कर सकते हो इसमें क्या होगा। ठीक है, बहुत ज़रूरी चीज़ है और मेरे सपनों के घर की, सपनों की किचन का ही सामान है, जो मैं बहुत जल्द आप लोगों को दिखाऊंगी भी, फिलहाल अभी मैंने रख दिया है। और ये नेक्स्ट डे की ही शाम की क्लिप है, तो मैंने उड़द की दाल और चने की दाल, दो ही दाल घर पे बची हुई थी थोड़ी थोड़ी सी, तो मैंने दोनों भिगोने के लिए डाल दी थी और उनको पीस के उसमें अदरक, हरी मिर्ची, हरा धनिया थोड़ा सा डालकर पीस लिया था, और उसमें बारीक बारीक प्याज चॉप करके ये थोड़े से पतले, थोड़े से मोटे चीले टाइप के बना दिए हैं, जो कि अच्छे लगते हैं, मुझे बहुत पसंद आते हैं। मैंने अपने लिए टमाटर की चटनी बनाई थी क्योंकि धनिया ख़त्म हो गया था, तो सूखा वाला खड़ा धनिया होता है ना, उसको मैंने डाला, टमाटर डाला, नमक डाला, मिर्ची डाली, 1-2 लहसुन की कलियाँ डालूँ और थोड़ा सा चाहो तो आमचूर पाउडर डाल के, और फिर मैंने इसको पीस दिया था, थोड़ा हींग और ज़ीरा भी डाल दिया था। बहुत यम चटनी बनी थी, ज़रूर ट्राई करिएगा, जितनी भी चीज़ें मैंने बताई हैं वो सारी चीज़ें डालकर। अगर आपके पास हरे धनिया ना हो तो, हाँ इसमें खड़ा धनिया डाला था मैंने, अगर आपके पास हरा धनिया ना हो ना तो आप खड़ा धनिया भी इसमें डाल सकते हो चटनी में, बहुत टेस्टी लगता है। बस यहाँ पे दक्ष को और आद्या को देख के आई तो दोनों में लड़ाई हो चुकी थी, दोनों में से मतलब वो अध्यक्ष आया था फिर मेरे पास, मुझे अलग चाहिए, दीदी नहीं शेयर कर रही है। फिर मैंने दक्ष के लिए ये गरम गरम तुरंत बनाया, फिर मैंने ये दक्ष को दिया, आद्या ने अपना इसी में पहले खा लिया। उसके बाद रात के डिनर के लिए मैंने ये राजमा बनाया, फिर मैंने रेसिपी नहीं शेयर की क्योंकि मैं इतना ज़्यादा अच्छा फील नहीं कर रही थी सारा दिन से भी, क्योंकि आज मुझे ऐसा लग रहा था कि ये स्कूल से सीधे घर चले आएँ, लेकिन ये प्लॉट पर जाना भी ज़रूरी था इसलिए वो वहाँ चले गए थे, तो यह राजमा बन गया है। किचन में क्या करोगे आप? हाँ, किचन में क्या चाहिए तुमको? बादाम चाहिए? क्या सर टकरा गया है?
दो बार करने से क्या होता है? अच्छा, आप मुझे क्यों खींच रहे हो? क्यों, क्या चाहिए होता? किचन में चले, क्या लोगे किचन में? बादाम ही खाओगे? चलो इसके साथ जाना पड़ेगा। क्या लेना है? गोदी नहीं लेंगे। बोलो बोल। क्या लेना है? ये क्या लोग है? क्या ये जैम? फिर क्या लोगे? जैम बोल, ये वाला देखो लो, गो ऐसे। अरे रुक तो जाओ दो मिनट। मम्मी ये लो ऐसे, खा के देखो। ब्रेड में लगा है? ब्रेड अभी नहीं है, वो वाला ब्रेड ले आओ, वो छोटा वाला ब्रेड लेके आओ, छोटा वाला, छोटा वाला निकालो, यही निकालो, ले आओ। दो निकालो तुम्हारे लिए, भैया के लिए। चल जल्दी ले आओ, बंद करो फ्रिज को। एक और लेके आओ, तुम नहीं खाओगी? क्यों? ये लो, यही चाहिए था। चलो जाओ। गया, देखो कैसे खाया जा रहा है, ऐसे लेट के खाया जाता है। उठ के खाओ। बोलो पापा से क्या क्या मंगाया तुमने? चिप्स और चॉकलेट मंगाया है, अभी ला रहा है पापा। हे गाइस, सुबह से अब मैं बात कर रही हूँ आप लोगों से। ऐसा है कि आज सारा दिन बहुत अजीब सा लगा मुझे, अच्छा ही लग रहा था। आज मैं दोपहर में इनसे बोल रही थी कि स्कूल से तुम सीधे घर चले आओ, मुझे नहीं अच्छा लग रहा है। लेकिन इनको प्लॉट पे भी जाना ज़रूरी था, और ये प्लॉट पे जब गए तो 6 बजे तक ऑलरेडी काम चलता है वहाँ पर, और फिर उसके बाद वहाँ पे बिजली के लिए मतलब खंभा वगैरह और ट्रांसफार्मर लग चुका था, और वहाँ पे लाइट जो सप्लाई है वो चालू करनी थी, तो वो चालू भी हो गई है। और जो एक घर वहाँ बना हुआ है उसके, उनके घर में लाइट मतलब लग चुकी है, मीटर भी लग चुका है। अब हम लोग अपने घर के लिए मतलब अर्जी डालेंगे कि अब हम लोगों को भी लाइट चाहिए, तो हम लोगों को कुछ दिनों में देखते हैं कब तक लाइट मिलेगी, मिल जाएगी। तो ये गुड न्यूज़ है जो मैंने आप लोगों साथ में आज शेयर कर दी, और बहुत अच्छा लग रहा है। मतलब बहुत टाइम से इस चीज़ को सोच रखे थे कि कब लाइट आएगी, कब आएगी, फाइनली आ गई है, और ईश्वर ने सुन ली। और पैसे तो लगे ही हैं, और आजकल तो मतलब घूस का तो ज़माना है ही, हर एक इंसान छोटा सा भी कोई काम करेगा तो उसके लिए पैसे ही देगा, तो वही है। तो पैसे तो लगे ही हैं, लेकिन काम हो गया है, वो बहुत अच्छा लग रहा है। मैंने राजमा बनाए हैं और रोटी भी बस सेकनी है, ज़्यादा कुछ नहीं कर रही हूँ क्योंकि रात के खाने के लिए थोड़ा सा मतलब ज़्यादा कुछ नहीं बना। मैंने इनसे बोला था चावल बना दे, बट ये नहीं खाते चावल रात के टाइम पे, तो बिल्कुल नहीं खाते हैं, चावल नहीं बनाए हैं, रोटी सेकूँगी। और ये अभी गए हुए हैं, अभी गए थे नीचे गाड़ी रखने के लिए, फिर उसके बाद अभी ये गए हुए हैं दक्ष और आध्या के लिए चिप्स लेने के लिए। आ गए क्या पापा? आ गए, आ गए हैं। ओ ये इतना सारा कौन वाला है? इसमें कौन निकलेंगे छोटे छोटे? क्या दो जैम? उसे भूख लगी थी पहले, इसने पता क्या खाया? पहले इसने सोए पराठा बनाया था, उसमें भूख लगा के खाया, वो पेट भर गया, फिर उसकी वजह से जैम ब्रेड खाने की, फिर जैम ब्रेड खाई। आपके लिए रोटी बनाओ, मुझे बिना ये नए नए तो आज ये सारा दिन वही थे, 7 बजे तो आए हैं, और अभी 8:30 बज रहा है, मैंने खाना भी बना लिया है, और बस मतलब उनको भी फुर्सत नहीं है बिल्कुल भी। अभी जब आए हैं तब से अपनी अपनी घर के लिए बिजली के लिए फॉर्म वगैरह भर रहे थे, तो उसमें बहुत देर तक लगे रहे। अभी ये थोड़ी देर पहले उतर के गए नीचे, खाना वगैरह खा लेंगे ना, फिर उसके बाद तब ये थोड़ा रेस्ट करेंगे। जब से आए ना तब से घर पे भी ऐसे ही लगे हुए हैं। चलो मैं जा रही हूँ रोटी बनाने फटाफट से, ठीक है? सो गाइस, यहाँ पे सभी लोगों ने खाना वगैरह खा लिया है, सभी लोगों में से सिर्फ खाना मेरे हस्बैंड ने और मैंने खाया है। मैंने सिर्फ एक रोटी खाई थी, मेरा बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा था,
क्योंकि मैंने चीला जो बनाया था ना वो थोड़ा हैवी होता है, मैंने वो खा लिया था तो फिर खाना खाने की इच्छा नहीं हुई थी। मैं सोचा आद्या और अदक खाएंगे लेकिन दोनों ने भी नहीं खाया, तो सिर्फ और सिर्फ इन्होंने रोटी खाई है, मैंने एक रोटी खाई है। फिर मैंने किचन वगैरह साफ़ कर दी है, दूध उबलने के लिए रख दिया था, पहले ही ठंडा भी हो गया है, और यहाँ पर मैं सारे बर्तन है वो वॉश कर दूँगी। तो अभी मैं आप लोगों के साथ में एक बिग गुड न्यूज़ भी शेयर करने वाली हूँ, साथ ही साथ जो बॉक्स में आया है हमारे नए घर की नई किचन के लिए वो भी मैं आपको बताने वाली हूँ। तो वीडियो को एंड तक देखना और वीडियो मेरे कैसे लग रहे हैं जरूर कमेंट में लिख के बताना। हे गाइस, तो मैं अपना सारा काम कर रही हूँ किचन का और बस अब जा रहे हैं सोने। तो ये देखो ये अपना काम कर रहे हैं, हो गया फार्म भर गया, अब बिजली आ जाएगी। कितने दिनों में आएगी? हफ्ते भर के अंदर अंदर, दो तीन दिन में, 3 दिन हो जाएंगे। तो फाइनली अब लाइट आ जाएगी। और आपको मैं आप बता देती हूँ कि इस बॉक्स में क्या आया था, अमेजोन से ऑर्डर लगाया हम लोगों ने। चलो पर थोड़ी लाइट जला दो, यहाँ दिखाई तो पड़े। ये देखिए ये रहा वो बॉक्स, इतना बड़ा। सो गाइस आप लोग समझ ही चुके होंगे, नहीं समझ पाए हैं तो मैं बता देती हूँ, ये इतने बड़े बॉक्स में आई है हमारे नए घर की नई किचन की चिमनी, जो कि अभी हमने इसे ओपन भी नहीं किया है। यहाँ से देखो बंद, इतना खोल के देखा मतलब ये खुला ही आया था, इतना इतना बंद था, इतना बाकी इतना खुला था। मैंने उठाया तो पूरा खुल गया, तो ये थोड़ा सा ओपन मुझे मिला है, तो इसके लिए थोड़ा डाउट है कि सारा सामान इसका है कि नहीं, क्योंकि हम लोगों को तो पता नहीं बाबू नहीं, क्योंकि हम लोगों को पता नहीं है कि इसमें मतलब क्या क्या इंस्टॉल करने की ज़रूरत रहती है, क्या क्या चीज़ें इसमें आती हैं, और जब इंस्टॉल होगी तभी होगा। तो अभी इसको इंस्टॉल होने में काफ़ी टाइम है, ऑफ़र था, ऑफ़र में थोड़ा सा साइज़ में कम मिल रहा था इसलिए हमने ले ली। बाकी का इसको इंस्टॉल होने में अभी 1.5 से 2 महीने लग जाएंगे। अभी तो हमारे किचन में कुछ भी नहीं हुआ है, तो ये नीचे वाली किचन में ही लगेगी। काफ़ी लोग ने पूछा है कि आपने नीचे वाला पोर्शन नहीं दिखाया है, दिखाया है दोस्तों, आप जाके फिर से देखिए वीडियो, थोड़ा ही जितना हुआ है काम उतना ही दिखाया है, दबचो नहीं वहाँ पर नहीं जाते। और ऊपर वाला ऑलमोस्ट हो गया है, तो वहाँ पे ऊपर हम लोगों को कुछ करवाना नहीं, वही इतना ही करवाना है, बाकी का नीचे का मतलब चलेगा भी काम। और एक चीज़ और, एक लोगों ने बोला कि आपकी किचन बहुत छोटी है, तो छोटी नहीं है वो ओपन है, तो ओपन किचन ऐसी होती है पूरी खुली है ना, तो इसलिए उसे छोटा नहीं कहेंगे, ओपन है। हाँ अगर सिर्फ उसको बंद कर दिया गया तो बहुत छोटी है, लेकिन अगर उसे ओपन रखें तो काफ़ी बड़ी स्पेस में। देखो ये कहाँ चढ़ रहा बाबू, नहीं टूट जाएगी, उतरो नीचे, नहीं नहीं दच्चू है, अब मत चढ़ना, बस हो गया ना, अब जाओ। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय कर दो, बाय, गुड नाइट, गुड नाइट बोलो, गुड नाइट, वेरी गुड।